मौतें देखी हैं, कितना हाहाकार देखा है। Oh my God! Yeah, स्कूल जाओगे? पर स्कूल तो बंद है। चले जाओ। बंद है तो कैसे जाओ? नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। और जो मेरा वीडियो है योगा वाला, वो आपने ज़रूर देखा होगा। वो वीडियो मैंने खासकर आप सब लोगों के लिए बनाया था, ताकि आप अपने घर पे बैठे बैठे रोज़ सुबह या शाम को आधे घंटे आप अपने आप को दे सकें, कुछ योगा कर सकें। अगर आपको वो वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ उस वीडियो पर जाएँ, उसको लाइक करें। वीडियो का लिंक यहाँ पर दिया हुआ है, आप उस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, देख सकते हैं, रोज़ उस योगा अभ्यास को कर सकते हैं। तो आज मैंने आपके लिए कोई योगा का वीडियो नहीं बनाया है, आज मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ इस करेंट सिचुएशन को लेके। क्या आपका बच्चा स्कूल जाता है या आपका बच्चा ऑनलाइन क्लासेस कर रहा है? क्या उसकी क्लासेस हो रही हैं? क्या उसे जितना पढ़ाना चाहिए या जितना उसे पढ़ना चाहिए, क्या वो उतना पढ़ रहा है? नहीं पढ़ रहा है। बट एक चीज़ है, हम फीस पूरी दे रहे हैं। फीस में कोई भी कटौती नहीं है, ना स्कूल की तरफ से, ना गवर्नमेंट की तरफ से। बाकी के जो व्यापार है, टूरिज्म इंडस्ट्री की बात करें, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की बात करें, तो वो पूरी तरीके से बंद है। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं वो सारे बेरोजगार हो चुके हैं। शायद उनकी सबकी सेविंग्स भी खत्म हो चुकी होंगी अब तक, क्योंकि एक साल से ऊपर हो गया, कोई काम धाम नहीं है। इसके अलावा बहुत से ऐसे काम हैं, बहुत से ऐसे कारोबार हैं, बहुत से ऐसे व्यापार हैं जो कि ठप पड़े हुए हैं, और सिर्फ कोरोना की वजह से। और इन सब के बीच में अगर हम शराब की दुकानों की खोलने की बात करते हैं, तो क्या वो सही है? क्या वो सामाजिक तौर से ठीक रहेगा, या सिर्फ हमारी जो राज्य सरकारें हैं या जो हमारी केंद्रीय सरकारें हैं वो सिर्फ अपने मुनाफे के लिए शराब की दुकानों को खोल देंगे? अगर ऐसा होता है, और ऐसा हो रहा है, बहुत सारी जगहों पे शराब की दुकानें खुल चुकी हैं। कल भी न्यूज़ में था, शराब की दुकानें जो है उनको खोला गया है। लोगों ने कोरोना प्रोटोकॉल को बुरी तरीके से तोड़ा, और यह होगा क्योंकि हम शराब की दुकानें नहीं, जब हम सब्जी लेने जाते हैं, जब हम बाहर दूध लेने जाते हैं, वहाँ पर हम लोगों को देख रहे हैं कि लोग जो है वो मास्क, तो ठीक है, मास्क तो टांगने की एक चीज़ है, उसको हमने कान से टांग लिया, किसी भी तरीके से वो कहीं ना कहीं अटका है। कोई कुछ टोकता है तो हम उसको खिसका के ऊपर कर लेते हैं, नहीं तो वो खिसका के नीचे आ जाता है। सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं है, और ना ही पालन हो सकता है। प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो हिंदुस्तान के अंदर इतनी ज़्यादा जनसंख्या है कि अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग की बात करेंगे तो आधा हिंदुस्तान यूरोप इस तरफ और आधा हिंदुस्तान उधर चाइना तक चला जाएगा, तो सोशल डिस्टेंसिंग तो मुमकिन नहीं है। सब्जी लेने के लिए भी अगर हम जाते हैं तो मैं तो बहुत दूर खड़ा रहता हूँ, सब्जी लाने में भी मुझे आधे घंटे से 45 मिनट लग जाता है, जो कि दुकान यहीं पे है, क्योंकि लोग सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं कर रहे हैं। अगर मैं एक सामान ले रहा हूँ तो दूसरा व्यक्ति पीछे से घुसा आ रहा है और उसे सामान चाहिए, मैं पीछे हट जाता हूँ कि भाई आप ले लो सामान पहले, मैं आधे घंटे बाद खड़ा होकर ले लूँगा, पर मैं सब्जी लेने आया हूँ, कोरोना लेने नहीं आया हूँ, तो मैं सब्जी लेके जाऊँगा, कोरोना यहीं छोड़ के जाऊँगा। सोशल डिस्टेंसिंग की ऐसी की तैसी की हुए हैं। जब तक ये कोरोना चल रहा है, जब तक सारी चीज़ें बंद हैं, जब तक मार्केट बंद है, जब तक स्कूल बंद है, जब तक कॉलेजेस बंद हैं, जब तक ट्रैवल बंद है, जब तक बाकी सब कुछ बंद है, तब तक आप जो शराब की दुकानें हैं इनको भी बंद रखिए ना। लास्ट ईयर भी हमने देखा, 2020 में भी, कि जैसे ही शराब की दुकानें खुली लोग भाग पड़े शराब की दुकानों पर, कोई कोरोना का प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करता। तो क्या इन सब के बीच में जो शराब की दुकानों का खोलने की जो बात कही जा रही है, क्या वो ठीक है? मेरे हिसाब से नहीं है। अगर आपको भी लगता है कि ये ठीक फैसला नहीं है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को सर्कुलेट करें, जन समाज तक पहुंचाएं, सभी लोगों तक पहुंचाएं, और प्लीज़ शराब की दुकानों को अभी फ़िलहाल कुछ दिन, कम से कम इस महीने तो आप बंद ही रखते, क्योंकि इसी महीने से हमने कितनी मौतें देखी हैं, कितना हाहाकार देखा है, और इन सब के बीच में आपने शराब की दुकानों को खोल दिया। ये बहुत ही गलत निर्णय है, और इस निर्णय को वापस लेना चाहिए। जो ज़रूरत की सामान है, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, उनको मुहैया कराया जाए, उनकी जो अवेलेबिलिटी है उसको बढ़ाया जाए, ना कि शराब या और कोई इस तरीके की जो दुकानें हैं उनको नहीं खोलना चाहिए बिल्कुल भी।